हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। सो आज का रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोफाइल के लिए है, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं, MBA HR से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अदर स्ट्रीम फायर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, MSc कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये वैकेंसी NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। एक PSU ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि आप अपना ब्राइट करियर बना सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ये सारा कुछ मैं स्टेप्स बाय स्टेप्स आपको बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, फॉर रेगुलर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब अपडेट। सो लेट्स स्टार्ट द नोटिफिकेशन। यहाँ पर देख सकते हैं, ये नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा जो है ये वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें कि मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी है। और प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे गाइस, केमिकल्स में यहाँ पर वैकेंसी है 56 वैकेंसी है केमिकल के लिए। मैनेजमेंट ट्रेनी का प्रोफाइल रहेगा 40 से 1,40,000 तक सैलरी पैकेज है, और यहाँ पर बाइफर्केशन दिया गया है 56 वैकेंसी का। ओके, अब दूसरा बात करते हैं यहाँ पर गाइस, मैकेनिकल के लिए 18 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 21 वैकेंसी है। सैलरी स्ट्रक्चर सेम रहेगा सभी के लिए। इसके अलावा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 17 वैकेंसी है, केमिकल लैब के लिए 12 वैकेंसी है, ट्रेनी सिविल के लिए 3 वैकेंसी है, फायर एंड सेफ्टी के लिए 5 वैकेंसी है, और यहाँ पर IT के लिए 5 वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनी यहाँ पर मटेरियल के लिए 11 वैकेंसी है, और HR के लिए 16 वैकेंसी है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी है डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के लिए। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो जितने भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम है, यहाँ पर देख रहे हैं ये सैलरी पैकेज दिया गया है। बेसिक आपका 41,200 रहेगा, प्लस अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे, तो अच्छा खासा इसमें अलाउंसेस आपको मिलता है। ओके, सो अब बात करते हैं गाइस, यहाँ पर 3 साल का बॉन्ड साइन होगा, आप छोड़ नहीं सकते सिलेक्शन के बाद। 4,50,000 का ये पेनल्टी आपको यहाँ पर लगता है। ओके, सो ये बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा। नाउ मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल के लिए 18 से 27 सभी के लिए एज रखा गया है, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, बीटेक BE BSc किया है केमिकल इंजीनियरिंग से, केमिकल टेक्नोलॉजी से, केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी से, 60% के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के लिए 50% मार्क्स रखा गया, और PWD के लिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए भी। मैकेनिकल के लिए सेम बीटेक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंस्ट्रूमेंटेशंस के लिए सेम है, बीटेक कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। केमिकल लैब में MSc जिन्होंने केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्रीज विद 60% मार्क्स, वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, केमिकल लैब में। अब मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए जो है सिविल के लिए बीटेक एंड फायर सेफ्टी के लिए यहाँ पर रखा गया है गाइस, बैचलर डिग्री इन फायर एंड सेफ्टी से अप्लाई कर सकते हैं। नाउ IT के लिए अगेन यहाँ पर बीटेक लगेगा, उसके बाद मटेरियल के लिए अगेन यहाँ पर बीटेक इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स। HR में यहाँ पर रखा गया है गाइस, 2 ईयर फुल टाइम MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा, राइट, इंटीग्रेटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ, इसमें आप HR से किए हों या पर्सनल मैनेजमेंट से किए हों, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन से किए हों, HR मैनेजमेंट से किए हों, तो इन सभी में से किसी एक में अगर आपने MBA किया है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो एज कैलकुलेट होगा 31/5/2024 तक। ओके, SC ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। ओके, एप्लीकेशन फ़ी सभी के लिए 700 रुपया है, प्लस बैंक चार्जेज। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप 2 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं, nationalfertilizers.com करियर पे जाके एंड देन रिक्रूटमेंट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो नाउ बात करते हैं गाइज इसमें, ओके, सो सिलेक्शन प्रोसेस का। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, OMR बेस्ड एग्जाम होगा आपका यहाँ पर, एंड देन पैन इंडिया एग्जाम होगा। ओके, सो अब इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, 5 टाइम ज़्यादा कैंडिडेट रिटर्न के बाद सेलेक्ट किया जाएगा, जिसमें 80% रिटर्न का रहेगा वेटेज और 20% इंटरव्यू का। ओके, सो ये चीज़ें हैं। नाउ
अब अप्लाई कीजिए, 2 जुलाई लास्ट डेट है। ओके, सो कोई भी सजेशन चाहिए या कोई भी इश्यू आता है तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, सो गुड लक गाइज, मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।